नवाबों के शहर लखनऊ में गुंडे मवालियाओं जैसा सलूक, गाड़ी ड्राइव कर रहे लड़के और युवती पर खूब फेंका पानी, वो मदद की गुहार लगाते रहे, आवारा मन चले पानी मारते रहे। शब्द थोड़े कड़वे हैं लेकिन बहुत ही फायदेमंद हैं। कैसे बदलेगी भारत की तस्वीर? एक तरफ भारत विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, लेकिन जिस देश के युवा मान मर्यादा भूल जाएं तो क्या होगा? सोचिएगा और जरूर सोचिएगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं। ये वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जो बिना किसी भय का है। कौन सा प्रशासन, किसका भय? यहाँ के तो सिर्फ हम ही बादशाह हैं, लेकिन जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो बाद में हुआ वो भी देखिएगा और वो भी सुनिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिन भारी बारिश हुई। ऐसे में इस दौरान कुछ ऐसा हो गया कि हर तरफ इस शहर की बदनामी हो रही है। लखनऊ के गोमती नगर में बुधवार मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे पानी भर गया था। यहाँ मन चले पानी में हुड़दंग कर रहे थे। इस दौरान एक युवती अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी, जिससे इन मनचलों ने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ कर युवती को भी पानी में गिरा दिया। इस मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हुड़दंगियों की बदतमीजी ने लखनऊ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। इस करतूत को देखकर आसपास आने जाने वाले भी हैरान रह गए थे। बड़ी बात तो यह है कि इस घटना के स्थान से कुछ दूरी पर डीसीपी ईस्ट का ऑफिस है, लेकिन पुलिस मौके पर से नदारद दिखी। जब इस घटना का वीडियो पूरे इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ, तब गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटा दिया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदसलूकी कर रहे लोगों की पहचान की गई। पहचान होने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन लखनऊ को भी शर्मसार कर दिया। योगी ने लिया तगड़ा एक्शन और गुंडों को सिखा दिया शवक। पुलिस की लापरवाही पर थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा वाक्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिला है। लेकिन इसने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि घटना पर योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए स्थानीय पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही स्थानीय प्रभारी, निरीक्षक, चौकी इंचार्ज, चौकी पर मौजूद समस्त पुलिस कर्मियों को हटा दिया गया है। ये घटना ताज होटल के अंबेडकर पार्क जाने वाले रास्ते पर बुधवार दोपहर की थी, जहाँ बारिश में डूबी सड़कों पर हुड़दंगियों ने कब्जा कर लिया था। वे जल भराव के बीच गुजर रहे वाहनों से अभद्रता कर रहे थे। वो जबरन बाइक सवारों को पानी में धकेल रहे थे। जब वो बाइक सवार नहीं रुक रहे थे तो वो उन्हें पीछे से टी शर्ट पकड़कर खींच रहे थे। ये वीडियो सामने गवाही दे रहे उस हुड़दंग की, जो कि मानवता को शर्मसार कर रहे थे। गोमतीनगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। इसके बाद संज्ञान लेते हुए गोमती नगर पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की है। 4 अलग अलग टीमें बनाकर क्राइम टीम को लगाया गया है। इसके बाद लगातार अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन अपराधियों की भी माँ बहन बेटी होगी, परिवार होगा, लेकिन शर्म क्यों नहीं आती? क्यों अपने शहर को बदनाम करते हैं? आप भी बताएं, ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।